जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है, मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी के सदर बाजार भट्टागांव टैक्सी मालिकों ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि वे सभी टैक्सी मालिक हैं और उनकी गाड़ियां भट्टागांव सदर बाजार से होते हुए कचहरी चौराहे तक चलाई जाती हैं। PSI आए दिन कचहरी चौराहे से उनकी गाड़ियों को खदेड़ देते हैं, साथ ही उनका चालान भी काट देते हैं। आए दिन की ESI की इस कार्यवाही से त्रस्त होकर आज उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से मांग की कि TSI की इस तरह की कार्यवाही पर अंकुश लगाया जाए। अगर ESI इसी तरह कार्यवाही करती रही तो यह सभी टैक्सी चालक रोजी रोटी के लिए परेशान हो जाएंगे और उनके बीवी बच्चों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। आए दिन PSI कचहरी चौराहे पर इन सभी टैक्सी चालकों को दौड़ाते रहते हैं, साथ ही गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष और जिले के अधिकारियों के बीच कचहरी चौराहे पर टैक्सी स्टैंड का बोर्ड लगाने पर भी सहमति बनी थी, जिसके बाद PSI की इस तरह की कार्रवाई होने से जहां टैक्सी चालकों में रोष है, वहीं उन्होंने आला अधिकारियों से मांग की कि वे तुरंत PSI की इस तरह की कार्यप्रणाली पर रोक लगाने की कृपा करें, साथ ही टैक्सी चालकों और टैक्सी मालिक को PSI के आतंक से मुक्त कराएं। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। लोग अपनी समस्या लेकर SHG साहब के पास आए हैं। मैं बुंदेलखंड आपके मैजिक टैक्सी कैब को फेडरेशन का अध्यक्ष मंसूरी हूँ। हमारे सारे साथी हैं, साथ में संरक्षक भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, सारे पदाधिकारी और गाड़ी चालक मालिक भी हैं। इस समय कुछ समय से हमारे यहाँ पे डंडा मार अभियान हम लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम लोग यातायात व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और अवरोध पैदा कर रहे हैं यातायात व्यवस्था में। प्रशासन से हम लोग ये बात बताने आए हैं कि हम लोग अवरोध नहीं कर रहे, अवरोध जो अतिक्रमण करने वाले हैं वो लोग करते हैं और हमारी मजबूरी है कि हमें सवारी उतारना है, बैठाना है। और जब सवारी हम उतार रहे हैं और उसमें डाके पुलिस वाले डंडा मारे और ज़बरदस्ती चालान करे, ये समस्याएं लेके हम लोग SHG साहब के पास आए हैं और अपनी बात को बताने आए हैं कि अभी कचहरी चौराहे पे 4 दिन पहले TSI ने बोर्ड उखाड़ दिया, जगह कोई बताई नहीं गई, किस कारण से उखाड़ दिया गया, जबकि 10 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन ने समिति बनाने के बाद ये 37 टैक्सी टेम्पू स्टैंडों का चिन्हित किया गया था और चिन्हित स्टैंड से आप बोर्ड उखाड़ के ले गए। इससे बड़ा और हमारे साथ अन्याय क्या होएगा? जगह कहीं बताई नहीं जा रही, बोर्ड उखाड़ के ले गए, डंडा मार के सबको भगा रहे, आखिर क्या कारण है ये? और हमारी जगह पर दूसरे लोगों को ठेले ठेली वालों को खड़ा करा जा रहा, तो ये जाँच का विषय भी है और गंभीर विषय है कि आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा। अभी SSP से मिले, उन्होंने क्या आदेश दिया? उन्होंने CO साहब के लिए जांच के लिए कह दिया है, जांच करेंगे, जांच के बाद जब देखेंगे क्या निर्णय होता है। अगर आपकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे इसके बारे में? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आप अधिकारियों को अपनी फरियाद करेंगे, फिर आएंगे हम लोग, फिर अपनी बात को कहेंगे। हम लोग कह ही सकते अपनी बात को, अपनी बात अधिकारियों के सामने रख सकते, इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि अधिकारी हम लोग की बात को सुने, निराकरण करें, मौके पर स्थल का निरीक्षण कर लें, हमारी गलती हो तो हम लोग को सजा दें। अगर जो लोग अतिक्रमण करा रहे, खुद कुछ लोग प्रशासन के लोग अतिक्रमण करा रहे, खुद उस पर अतिक्रमण करा के हमारे टैक्सी चालकों को भगा रहे और दूसरों